कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? आईपीएल एंटी प्रीमियर लीग तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर। जो हमारी टीम की अच्छी चीजें थी वो इंडिया ने अपना ली और ये होना ही था क्योंकि जो उनके आईसीसी ने अपना चेयरमैन बनाना शुरू किया तो पहले दो टेन्योर तो इंडियंस थे चेयरमैन और अब जो है वो न्यूजीलैंडर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेट के, उसमें भी तो कंट्रोल तो उन्हीं का है, इंडिया का है। बड़ी कशिश है और हमारे पास कौन से ऐसे सुपरस्टार आ रहे थे जो करंट में पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो भारत की आईपीएल से मुकाबला करने के लिए खड़ी हो गई थी। आप देखें भारत के सोशल मीडिया को आप देख ले, वो कह रहा है आप तुम जिम्बाब्वे से खेलो। वो बाल ठाकरे की धमकियां जब हमारी टीम इंडिया के ग्राउंड पे जाके खेलती थी और वो रोजाना किसी ना किसी खिलाड़ी को धमकी देते थे कि आज हम इसके ऊपर हमला करेंगे, विकेटें उखाड़ दी जाती थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पिछले कुछ दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बुरे गुजरे, बुरे सपने की तरह गुजरे हैं। क्योंकि मैं चूतिया हूँ। पिछले 8-10 दिन में अगर आपने जो घटनाएं देखी और आप क्रिकेट लवर हैं, अगर बारीकी से नजर रखते हैं क्रिकेट की घटनाओं पे, तो आपको सब पता होगा कि पाकिस्तान की इंटरनेशनली कितनी बेइज्जती हुई है, कितने जूते पड़े, कितनी बार मुंह काला हुआ पाकिस्तान का, लेकिन ये पाकिस्तान ने कभी सुधरने का नाम नहीं लेता। तो आपका भाई आज फिर पाकिस्तानी क्रिकेटरों को पकड़ के लाया। आज का वीडियो क्रिकेट के ऊपर है, पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट, 3 सब्जेक्ट है अपने मेन, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर कुछ जगह भारत की बहुत अच्छी तारीफ भी करी जा रही है, कुछ जगह बुराई भी करी जा रही है, ठीक है। ये लोग इतना खौफजदा हो गए जब से न्यूजीलैंड टीम इनके यहाँ से इनके गाल पे तमाचा मार के गई है ना, तब से इनको बस भारत 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 दिखता है। सही बात है। आकिब जावेद पाकिस्तान के अंदर काफी रेपुटेड बंदे हैं, जैसे हमारे देश में राहुल द्रविड है जिनको कम बोलते हैं लेकिन लोग जब भी वो बोलते हैं लोग उनको सुनते हैं, तो इसी प्रकार की रेपुटेशन इनकी पाकिस्तान के अंदर है, दुनिया के अंदर है, तो हम इनको सुनते हैं, हम भी रेस्पेक्ट करते हैं एज ए क्रिकेटर। आप जैसे लोग जो कि पाकिस्तान की विनिंग टीम का हिस्सा रहे, 92 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान को जिताया और उसके अलावा कई इंपॉर्टेंट इवेंट्स के ऊपर अरसे तक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, यकीनी तौर पे बड़ा डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए। आप के दौर में कभी ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हुई और अगर नहीं हुई तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं बीइंग क्रिकेटर? मैं आपको बताऊंगी ये जितनी भी जैसे श्रीलंका है, इवन साउथ अफ्रीका है, इवन बांग्लादेश है, वेस्ट इंडीज है, पाकिस्तान है, ये एक और लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं और वो जो पुराना जो एक बिग थ्री वाला आइडिया था वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, जिसको कंट्रोल इंडिया करता है, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और अब न्यूजीलैंड भी उसकी फोर्स बन चुका है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि मामला ज्यादा पॉलिटिकल ही लग रहा है। आईसीसी का आगे क्या रोल हो सकता है? बिकॉज आईसीसी एक इदारा तो है लेकिन बहुत सारे लोग अब उसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहना शुरू हो गए हैं, जितना इंटरेस्ट इंडिया का है। आईसीसी क्या रोल अदा कर सकता है, क्या करना चाहिए उसको इस इंतहाई अहम मामले के ऊपर? पाकिस्तान की क्रिकेट एट रिस्क है डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो। क्रिकेट पॉलिटिक्स है वो तो इसलिए बुरी है क्योंकि 2014 में आईसीसी ने अपना चेयरमैन बनाना शुरू किया तो पहले दो टेन्योर तो इंडियंस थे चेयरमैन और अब जो है वो न्यूजीलैंडर है जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे फॉर्मर न्यूजीलैंड क्रिकेट के, उसमें भी तो कंट्रोल तो उन्हीं का है, इंडिया का है। जाएंगे तो चेयरमैन तो न्यूजीलैंडर है तो वो आपको कहां से कंसेशन देगा अगर आपका स्ट्रॉन्ग केस ना हो? बेइज्जती तो है बहरहाल, इट्स वेरी इंसल्टिंग एट द लास्ट मोमेंट कि आप थ्रेट भी नहीं बता रहे, वापस भी जाना चाह रहे हैं, आप इस रिस्पांस से मुतमईन हैं? नाम किया गया है हमें, यू नो हमारे एक जो पीसफुल माहौल चल रहा था उसको सेपरेटाइज किया गया। देखिए वेरी अनफॉर्चुनेट, एक तो देखिए जब श्रीलंका की टीम के ऊपर अटैक हुआ तो मैं पाकिस्तानी टीम हमारे जो पास 1 मिनट उनके पीछे थी उसमें था और वो सारी सिचुएशन देखी, वो फिर बीइंग अ मैनेजमेंट हम सारे गए उनके होटल में देखने भी गया, उनकी जो हालत थी उसके ऊपर भी बड़ा अफसोस हुआ। वहां से लेके आज तक एक एक लम्हा बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने कॉन्फिडेंस जीता है पूरी दुनिया का भी, ये एक सेफ कंट्री है, इतना पाकिस्तानी है चेंज।
फिर ये पाकिस्तानी बोलते हैं हिंदुस्तानी को गालियाँ क्यों देते हैं भैया, जब ये बात कर रहे होते हैं क्रिकेट के, जब ये क्रिकेट पे एक्सपर्ट होते हैं तो फिर ये बीच में राजनीति क्यों घुसेड़ते हैं, फिर बोलते हैं कि क्रिकेट में राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये रोत लो इंसान हमेशा भारत के खिलाफ रोता रहता है, आईपीएल की जो सफलता है इसको बर्दाश्त होती नहीं है, जला चिड़ा बुनासा रहता है हमेशा के लिए। तो इसको सुनिए, और इसको सुनने में बड़ा मजा आता है मुझे। तो सलूक होता है, हम इंग्लैंड जब जाते हैं हमारे साथ जो सलूक होता है सबके सामने, और फिर वो बोर्ड्स हमारे साथ क्या करते हैं और हम क्या कहते हैं मैदान जंग में। लॉबिंग नहीं हो सकी। आप देखें भारत के साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान को भारत ने उनका होम ग्राउंड बना दिया अपने मुल्क को। फिर उसके साथ भारत के साथ बांग्लादेश है अगर देखा जाए, फिर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे हमारे साथ। अगर बचा कौन, श्रीलंका बचेगा। वेस्ट इंडीज का भी कुछ पता नहीं है, वो डावाडोल होता रहता है, जहां उन्हें पैसों की ऑफर होती है वो वहीं चले जाते हैं। तो हमारे साथ जिम्बाब्वे बचा और बहुत से बहुत श्रीलंका बचा। तो हमारी लॉबी इतनी तगड़ी नहीं है, हमें आईसीसी में अपनी लॉबी को मजबूत बनाना है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाए। लेकिन ये लोग जो हमारे मुखालफिन है, एक मुल्क पर से पर्दा रहकर साजिश कर रहा है, जिसके सोशल मीडिया को आप देख ले, वो कह रहे हैं तुम जिम्बाब्वे से खेलो, दो ममालिक खुलकर सामने आ गए, और तीसरा मुल्क अभी खुलकर आने वाला है ऑस्ट्रेलिया। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, वो भी इस बात के बहुत कम इम्कान आते कि शायद ही आए, वो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि हमें जो है इन लोगों को ये सबक सिखाना है। अब हमारा 24 को भारत से मैच है, 24 अक्टूबर को 26 अक्टूबर को हमारा न्यूजीलैंड से मैच है, और 29 अक्टूबर को हमारा अफगानिस्तान से मैच है। आपको बताएंगे कि हमारी टीम कोई आम ऑर्डिनरी टीम नहीं है कि आप उसको इस तरह से बिल्कुल आइसोलेट कर दें। इनमें बड़ी कशिश है, और हमारे पास कौन से ऐसे सुपर स्टार आ रहे थे जो करंट प्लेयर्स थे, उसके बावजूद हमारी पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो भारत की आईपीएल से मुकाबला करने के लिए खड़ी हो गई थी। तमाशाइयों से खटाखट स्टेडियम भरे हुए थे कोविड से पहले। जो लॉबी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेगरी बार्कले जो न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखते हैं, वो आईसीसी के इस वक्त चेयरमैन है, और भारत का मनो सोहानी को उन्होंने जो है वो बैन कर दिया है, उसकी जगह कोई चीफ एग्जीक्यूटिव आएगा। तो सारी लॉबी तो उनकी। वुड इट नॉट बी अ लॉलीपॉप कि जी हम मैदान के अंदर अपने आप को अच्छा प्रूव करेंगे तो दुनिया हमारी तरफ आ जाएगी। जिस वक्त में हमारे ऊपर क्रिकेट की पाबंदी थी, हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत रहे थे, हम T20 भी जीत रहे थे, T20 विनर भी थे हम, और चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीता, हमने टेस्ट नंबर वन टीम भी हम बने, लेकिन उसके बावजूद हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो फिर अब हम ऐसा क्या मौजूदा करेंगे मिर्जा साहब, जिसके बाद हम कहें कि ये इस सियासत से। रमेश राजा के बैंक अकाउंट में जितना भी पैसा है उसमें 90% इंडिया से कमाया हुआ है, तो ये थोड़ा प्रो इंडियन है क्योंकि इसने इंडिया का नमक खाया है। तो इसलिए भारत की आईपीएल की, क्रिकेट की, इंडिया में जो शोहरत है इंडिया क्रिकेट की, तो उसकी तारीफ करना तो बनता है। तो सुनिए थोड़ी सी इंडिया की तारीफ, आप भी खुश हो जाइए। आईपीएल ने कहा कि अगर आपने यहाँ से नॉकआउट खेले बगैर गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, ये भी बात आपने सुनी? ये मैंने नहीं सुनी, बट आई गेस प्रेशर है, इसलिए कि देखे ना उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बचाने हैं, उनको एक तरह से पीआर एक्टिविटी, आप देखे ना कितने हंस हंस के आज वो खेलते हैं जब इंडिया से खेल रहे होते हैं, इसलिए कि वो जो एक ऑस्ट्रेलियन जो ग्रिट और एक जो ऑस्ट्रेलियन एग्रेशन है ना वो खत्म कर दिया है आईपीएल में जाके, क्योंकि अब इनको पता है कि मक्खन कहां लगाना है, किस तरह से सर्वाइव करना है, और सर्वाइव में जो है वो स्माइल रखेंगे। तो अपना डीएनए पैसे की खातिर में तो ये इंडिया को हराने के लिए क्या करना है, किस तरह से आपने मैदान में उतरना है, क्योंकि अगर आपकी डिफेंसिव सोच होती है कि कहीं आप हार ना जाए तो फिर टीम भी वैसे सिलेक्ट करते हैं, और जब आपको चांसेस मिलते हैं तो तब भी आप नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं। सो अगर आपका जो सोच है वो पॉजिटिव है कि जीतना है तो टीम भी वैसे खिलाते हैं, और फिर जब मौके आते हैं तो फिर कैश इन भी आप बेहतर। कैमरा बंद है, पैसे किस पे लगाए, इंडिया पे पाकिस्तान पे? पाकिस्तान पे 100%। देखिए इनका मैं आपको बताऊं, हमें थ्रू आउट मैच जितनी क्रिकेट खेला हूं पाकिस्तान से, और हमारी टीम से डरते थे दो वजह से, एक तो लीडरशिप बहुत आला थी, दूसरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, और ऑन द डे कुछ भी हम कर रहे हैं। इंडिया के खिलाफ हम प्रेडिक्टेबल थे। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ, ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस प्रीमियर लीग बिल्कुल। तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन बहुत मिलते हैं, तो ये, और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू, और क्रिकेट की टीम भी उनकी बड़ी हुई है, तो इसलिए दबाव में है। बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो कहते हैं खेलेंगे या पाकिस्तान आएंगे तो हमें पता है कि क्या उनका जवाब पब्लिक थी, वो डरना ऑलमोस्ट शुरू हो जाती थी कि आप फिर आ गए हमें हराने के लिए, इतना खौफ था उनको। फिर वो जब इंडिया से 86 के टूर पे शायद हम 6 वनडेज खेले थे, वर्ल्ड कप में नहीं है, पहले मैच आपका इंडिया के अगेंस्ट है, तो आप गलती और वो महसूस करें कि जो आपको पूल मैच में शिकस्त हुई थी तो आपने क्या फील किया। जो हमारी टीम की अच्छी चीजें थी वो इंडिया ने अपना ली, और ये होना ही था, क्योंकि जो उनके रवि शास्त्री है वो हमेशा पाकिस्तान से इंप्रेस होते थे, जब वो खेलते भी थे वो इसलिए थे क्योंकि हम डेडिकेटेड लॉट था, मेहनती थे, आधे टैलेंट को 100% पे ले जाते थे और हार नहीं मानते थे। सो
आई थिंक इसी तरह से उन्होंने मॉडल अपना चेंज किया, स्किल्स पे बहुत काम किया है, उनका फर्स्ट क्लास का लेवल बहुत बेहतर हुआ है, जिसकी वजह से सारी डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो गई है। हमें अभी बहुत काम अब करना है अगले 3-4 सालों में, वहां तक बहुत लेवल्स के ऊपर हमें मार पड़ रही है। रशीद लतीफ़ और रशीद लतीफ़ के साथ जो सहाफ़ी बैठे हुए हैं इनको सुनिए, इनकी टॉकिंग सुनिए, ये पाकिस्तान की जो असली औकात है वो आज आपको बताने वाले हैं। आपका दिल खुश ना हो तो मेरा नाम HKHR बंटी नहीं। फ्री वाली जो गेम है, हम शायद एशिया ब्लॉक बनाएंगे, वो बात करेंगे और डैमेजेस की बात हो रही है, हमारी जो हिट लिस्ट है जिसमें पहले भारत दुश्मन होता था, लगता अब उसमें यूके और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन हो गए। बड़ी इशू चल रहा था कि इंग्लैंड ने क्यों किया, में उनके मैचेस थे 13 और 14 अक्टूबर को, 2 वनडेज थे, और यही IPL जो नॉकआउट स्टेज है, जो IPL के इस वक्त मैचेस चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग के दुबई में, वो अक्टूबर 10 से 15 में है। और जब हम टीम देखते हैं तो जो इनके टॉप 8 प्लेयर्स हैं जो 100% IPL के अंदर खेल रहे होंगे या खेलते रहे हैं, तो नज़र आता है कि IPL की गेम के लिए ये प्लेयर्स की ग्लोबी ने काम किया सब कुछ। और ये वन ऑफ थिंग्स, अगर टूर देखें नाज़रीन तो सिर्फ 4 दिन का टूर था, 1 दिन क्वारंटीन थी, अगले 2 दिन इन्होंने मैच खेलने थे और फिर फारग वापस चले जाना था। और लेकिन इशू यह है कि जब दुबई वापस जाते तो वहां पर तकरीबन 5-6 दिन का पीरियड बनता है क्वारंटीन का, तो ये लोग जाके नॉकआउट स्टेजेस नहीं खेल सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्यों हुआ है। पर अगर IPL जिम्मेदार है, बेसिकली अब नजर ये आ रहा है कि ICC खत्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमजोर हो गए हैं, जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रांग है। ICC के वर्ल्ड राइट्स थे, क्रिकेटिंग राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स 2015 से 23 के, वो बिके 2.2 बिलियन डॉलर्स के। BCCI इंडिया वाले जो क्रिकेट बोर्ड है इनका, उसके 18 से 23 के बिके 1.1 बिलियन डॉलर्स के, यानी कि आप समझ लें करीबन 80 लाख डॉलर पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो IPL ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन 7 बिलियन डॉलर है, 6.9, और अभी उन्होंने एक दो फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। तो ये है क्रिकेट का सिनेरियो, ये पैसे का सीन है, और क्यों इंडिया सब कुछ हमारे पे छाया हुआ है। जरा हमारी भी हरकतें देख लें, हम लोग कर क्या रहे हैं। लास्ट 11 जो T20 मैचेस थे उसमें एवरेज हमने तकरीबन 39.8 डॉट बॉल्स इस बॉल समय लें, यानी कि 6.3 ओवर हमने ठुक की है। सो ये हमारी टीम की इस वक्त हालत है, ये सब कुछ है। उनके प्रेसिडेंट आए हैं, ही इज अ न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको BCCI की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो IPL के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि 6 बिलियन डॉलर के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ IPL। अब IPL खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहां पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय IPL जाके खेलो। एग्जैक्टली, और यही अट्रैक्शन अभी आपने बोला एवन मॉर्गन IPL के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज का समय जब इंडिया में किसी से पूछा जाए क्या चल रहा है तो सब बच्चा बोलेगा फोक चल रहा है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले, 15 साल पहले अगर किसी से पूछा जाता था कि इंडिया में क्या चल रहा है तो वो सब ये बोलते थे बाला साहब ठाकरे चल रहा है। तो बाला साहब ने किस तरीके से पाकिस्तान की और पाकिस्तानी क्रिकेट की बैंड बजाई थी वो इस पाकिस्तानी क्रिकेटर को याद ही, आप भी अतीत के अंदर चले जाइए और इस सुनहरी यादों के लम्हों को जिए। जरा जहन में रखें जरा वो बाल ठाकरे की धमकियां जब हमारी टीम इंडिया के ग्राउंड पे जाके खेलती थी, और वो रोजाना किसी ना किसी खिलाड़ी को धमकी देते थे कि आज हम इसके ऊपर हमला करेंगे, ग्राउंड में क्या कुछ होता था, कौन कौन सी गालियां दी गई हमें, क्या कुछ नहीं किया गया, क्या विकेटें उखाड़ दी जाती थी, हमारे खिलाड़ियों के ऊपर हुटिंग की जाती थी, हमारे खिलाड़ियों को पानी की बोतलें मारी जाती थी। यार हम लोग उस वक्त हमने तो कभी नहीं सोचा हमारे खिलाड़ियों की जान बाकी दुनिया के खिलाड़ियों से कम है, या उनकी इज्जत हमारे खिलाड़ियों की बाकी दुनिया के खिलाड़ियों से कम इज्जत है। हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज्यादा काबिल हमारे प्लेयर्स हैं जो है, बेशक वो बहुत बड़ी मंडी हो, मुआशी मंडी हो, लोगों की उससे उम्मीदें वाबस्ता हो, लोगों ने वहां चीजें बेचनी हो, या उन्होंने ताल्लुकात उनके साथ रखने हो, या क्वार्ट्स के हवाले से फैसले करने हो दुनिया की महजब कौमों ने, और वो चीन के ऊपर कोई पहरेदार बैठाना चाहते हो। मैं आज ये बिल्कुल अपने जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पे, और जो कुछ हम पढ़ते हैं रोजाना अखबारात में भी और बाहर दुनिया के मीडिया में भी जो एनालिसिस देखते हैं, यकीन कीजिएगा कि अगर क्वाड्स वाले 4-5 ममालक मिलके अगर ये चाहेंगे कि किसी तरह से वो चीन के सामने भारत को खड़ा कर देंगे, आज ये बात लिख लें कि भारत कभी भी चीन के सामने खड़ा नहीं होगा। ये सिर्फ वहां से पैसे लेगा, वहां से असला लेगा, अच्छा। वहां से फैसिलिटेशन लेगा,
दुनिया भर की सफारतकारी जो है उसमें किरदार अदा करवाएगा। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो खत्म करने की कोशिश की गई है, पाकिस्तान के शाकीन के दिलों को जो है वो खराब किया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा कसूर मैं देखें। इंडिया ने अपनी साजिश कर ली जी, जो कुछ भी था इस बात का खमियाजा न्यूजीलैंड को भुगतना है। हमें उसके लिए कंपनसेशन भी क्लेम करनी चाहिए, क्रिकेट काउंसिल को भी जाना चाहिए और हर जगह पे हमें बर्तानिया से भी। और दूसरी बात, बर्तानिया वो उनके क्रिश्चियन ट्रेनर जो हैं वो आराम से बैठे हैं और बैठ के कल काशिफ बाजी साहब को इंटरव्यू दे दिया है। यानी कि जो इतना बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, जिस जुल्म के ऊपर इंडिया बर्तानिया सारे में उनके क्रिकेटर्स क्या, उनके शहरी क्या। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरा देख लिया, वीडियो देखने के बाद में ये तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तानी लोग अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय हिंदुस्तान के ऊपर, आईपीएल के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, भारतीय क्रिकेट के ऊपर, भारतीय लोगों के ऊपर, भारतीय चाल चलन के ऊपर, ये सब करने के लिए इनके पास पूरा टाइम है, पूरा समय है, समझ रहे हो, सब देखते रहते हैं और उसके ऊपर बैठ के बातें भी कर रहे होते हैं। लेकिन कभी भी ये लोग अपने आप को सुधारने की कोशिश नहीं करते, अपनी क्रिकेट को सुधारने की कोशिश नहीं करती। अभी T20 वर्ल्ड कप आने वाला, वर्ल्ड कप में भी चुनी हुई जो इनकी टीम है वो भी पर्चियों से, आज तक भी अगर पर्चियों से अगर इनके प्लेयर सेलेक्ट होंगे तो कहाँ से भारत आईपीएल की बराबरी कराओगे तुम? तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी बराबर नहीं कर सकते भाई, कौन सी दुनिया के अंदर हो। तो अभी आपके दिमाग में जो भी फितूर चल रहा है उसको कमेंट के अंदर उतार दीजिए, कमेंट करना बहुत लाजमी है और शेयर भी कर दीजिए। आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, आपका भाई का यूट्यूब ब्लॉगिंग चैनल भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे दोनों जगह भाई की हालत भूखे नंगे पाकिस्तान की तरह एकदम, तो लिंक पे जाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो भी कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। कुछ तरीका है भीख मांगने का? आपका भाई ऐसे वीडियो बनाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।